पंचायत चुनाव कब होंगे इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम का पेंच फंसा हुआ है, लिहाजा चुनाव की तारीख की घोषणा में देरी की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी अंत में ही चुनाव की घोषणा करने वाली थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम आपूर्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। बिहार निर्वाचन आयोग पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के इंतजार में है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही अब आगे की कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋत्विक जुड़ गए हैं। जी ऋत्विक, बिहार में पंचायत चुनाव में सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्या है अपडेट? जी अलका, देखिए मार्च से मई के बीच में ये जो पंचायत चुनाव है होना था, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव किए जा रहे थे जी। इसके लिए पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है पहले ही आपको भारत निर्वाचन आयोग को बात भी कह दी थी, इस बात की जानकारी दे दी थी कि हमें ईवीएम से ही करवाना है इस बार का पंचायत चुनाव। लेकिन अब पंचायत चुनाव आ नहीं रहा है, इसमें देरी हो रही है, इसकी वजह से जो पंचायत चुनाव के जो डेट्स आ गए हैं वो आगे बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर अब जो है पटना हाई कोर्ट में इसकी जो इसकी पूरी जांच भी होनी है, इस पर आदेश भी जारी किया जाएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो है वहां जा चुका है आपको पटना हाई कोर्ट में, और वहां पर सारी बातें बातें हुई हैं, और इसके बाद क्या कुछ फैसला आता है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है, मार्च में ही शुरू हो जाएगा और मार्च से मई, और इसके लिए ईवीएम नहीं आना पहले ही बोल दिया गया था, बिहार विधानसभा से पहले ही बोल दिया गया था, ये जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब तक नहीं आना, ये कहीं ना कहीं जो है पंचायत चुनाव में देरी के संकेत साफ दिख रहे हैं। अलका, पंचायत चुनाव में होने वाली देरी की वजह क्या बता रहे हैं जो प्रत्याशी हैं इस बार? देखिए जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं वो तो पंचायत चुनाव को लेकर तो खुश थे ही, उत्साहित थे ही, क्योंकि पहली बार वो भी ईवीएम के थ्रू उनका जो पंचायत चुनाव वो होने जा रहा था, उनके जो मतदाता थे वो ईवीएम के थ्रू उन्हें अपना मतदान देते, लेकिन अब उनके भी जो चेहरे हैं वो थोड़े से लटके हुए हैं, मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी मुखिया के लिए कि इसी के ये पंचायत चुनाव जीत कर ही वो किसी गांव के मुखिया बनते हैं। तो अगर इसमें देरी हो रही है तो जो भी प्रत्याशी इस बार के पंचायत चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं वो खासे जो है आपको नाराज दिख रहे हैं, थोड़े मायूस भी दिख रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की डेट्स ऐसे सुनने में आ रहे कि आगे बढ़ सकते हैं ईवीएम के चलते। जी ऋत्विक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।